एमपी में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में तेज बारिश और ओलावृष्टि हो रही है। मौसम विभाग ने आगामी 3-4 दिनों तक ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने गुरुवार को भी मध्य प्रदेश में ओले बारिश और तेज आंधी का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान भोपाल इंदौर समेत 31 जिलों में भी गरज चमक ओले बारिश और आंधी चलने का अनुमान है। नर्मदापुरम बैतूल जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। यहां 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आंधी चल सकती है। मौसम वैज्ञानिक प्रवीण कुमार ने बताया कि राजस्थान से पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है, जिसके कारण ठंडी हवाएं और प्रदेश में कई स्थानों पर ओलावृष्टि और बारिश हो रही है। प्रदेश का मौसम 15 तारीख तक ऐसा ही बना रहेगा। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश के कई स्थानों पर तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। साइक्लिक सर्कुलेशन साउथ ईस्ट राजस्थान के ऊपर 1.5 पे प्रशिश कर रहा है। एक डिसकंटिन्यूटी है ट्रफ के साथ, वो साउथ ईस्ट राजस्थान से नादम पार्ट ऑफ कोस्टल कर्नाटक क्रॉस मध्य महाराष्ट्र एंड साउथ कोकण पे 1.5 पे प्रशिश है। और एक जो है कि नया वेस्टर्न 12 तारीख को आने की संभावना है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ऊपर। इसके कारण जो है कि करीब करीब 2 दिन तक तो अभी मौसम वैसे ही रहेगा, इसके बाद फिर कम होने के चांसेस रहेंगे। और वर्षा की बात करें तो भोपाल में जो है 29.8 मिलीमीटर पानी गिरा है पिछले 24 घंटों में, और सिवनी में 38.8 है। ऐसे ही कुछ आंकड़े हैं। और टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर थोड़ा सा अभी गिरा हुआ रहेगा, भोपाल में 33.0 है और न्यूनतम 19.0 है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।